और पबई में नववर्ष के पहले दिन माता कलेही और हनुमान भाटे में लगने वाले मेले में थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी का मानवीय चेहरा फिर से सामने देखने को मिला है। बता दें कि हनुमान भाटे में लगने वाले ऐतिहासिक एक दिवसीय मेले में जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, तो वहीं मेले में पुलिस की व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त देखने को मिली है। इस दौरान मेले में छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ आए और खिलौनों के लिए मचलने लगे। तब थाना प्रभारी ने उनको रोते विलखते देखकर गुब्बारे, फुटबॉल, डोरेमोन समेत लगभग 10,000 के खिलौने खरीद कर बच्चों को वितरित किए हैं, जिन्हें पाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनके द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य से सभी लोगों ने पुलिस प्रशासन की प्रशंसा की। देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे यहाँ हनुमान घाटी और माँ कलेही देवी के प्रांगण में जो लाखों की भीड़ का मेला जुड़ा था, उसमें आज मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो मतलब गुब्बारे और फुग्गों के लिए मचल रहे थे। और जब मैंने देखा, मैंने कि यार ऐसा नहीं है और इनके बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ लाना ही सबसे बड़ी खुशी है। तो मेरे द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के कार्य किए गए, मेरे दिमाग में तो था ही पहले थी कि मतलब कि जो बच्चे गुब्बारे वगैरह नहीं खरीद पाते हैं उनको खरीदूंगा। और मैंने आज जितने भी बच्चे को मैं कर सका मैंने अपने हिसाब से किया और आप लोगों ने इतना अप्रिसिएट किया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों के चेहरे पर खुशी देखना अपनी खुशी से ज़्यादा मैं समझता हूँ और प्रयास करता हूँ कि ऐसा काम करता रहूँ। और ये पुलिस की पहल है और मैं हमेशा ऐसा काम करने का प्रयास करता रहूँ।